व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 5 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को एक लाइक कर दो। तो अभी यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते, आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि एक लड़की एक मैप चुरा के भाग रही होती है और उसके पीछे बहुत सारे पायरेट्स पड़े होते हैं, और दिखाता है कि उन लोगों के बीच में ऊपर से टपकता है लूफी, आसमान से गिरता है। लूफी को देखने के बाद वो लड़की एक प्लान बनाती है और लूफी को जाके कहती है कि मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया बॉस, और ये कहने के बाद वो वहाँ से भाग जाती है। और वहाँ पर जो पायरेट्स होते हैं वो लोग कहते हैं कि उस लड़की को जाने दो, हम लोगों ने उन लोगों के बॉस को पकड़ लिया है, मतलब लूफी को पकड़ लिया है। लेकिन लूफी को कुछ भी नहीं पता यहाँ पर चल क्या रहा है, तो दिखाता है कि वो पायरेट्स लूफी के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन लूफी अकेले ही वो उन तीनों के तीनों पायरेट्स को डाउन कर देता है, नॉकआउट कर देता है मुक्का मार के। तो ये लड़की सब कुछ छुप छुप के देख रही होती है और वो देखती है कि लूफी ने बिना औजार के उन तीनों के तीनों पायरेट को डाउन कर दिया है। और ये देखने के बाद वो लड़की कहती है कि अरे तुम तो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। तो लूफी उस लड़की को देखने के बाद कहता है कि तुम कौन हो? तो वो लड़की कहती है कि मैं एक इंटेलिजेंट थीफ हूँ और मैं पायरेट्स से चीज़ें चुराता हूँ, क्या तुम मेरे साथ टीम अप करना चाहोगे? तो लूफी कहता है कि नो थैंक यू, ये कहने के बाद लूफी वहाँ से चला जाता है। तो दिखाता है कि वो लड़की उसके पीछे पीछे जा रहा है और दिखाता है कि लूफी नीचे बैठ जाता है और कहता है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगा है, मैं क्या करूँ? तो वो लड़की कहती है कि सिर्फ भूख लगा है, मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर बहुत सारा खाना है। और दिखाता है कि एक ही सेकेंड में लूफी कहता है कि ठीक है मुझे वहाँ पर ले चलो, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके नेक्स्ट सीन में कैप्टन बागी द पायरेट को दिखाता है और दिखाता है कि इस कैप्टन के नक्शा चुरा के वो लड़की भागी है। तो वो कहता है कि अभी तक उस लड़की को पकड़ नहीं पाए तुम लोग, वो कहाँ पर है, वो कैसे नक्शा चुरा सकता है, वो ग्रैंड लाइन का नक्शा था, ग्रैंड लाइन का चार्ट था, तो हम लोग वहाँ पर कैसे जाएंगे अब? तो उसके ग्रुप का एक बंदा कहता है कि वो चार्ट तो आपके नाक के नीचे से लेके चली गई वो, तो आपका नाक इतना बड़ा है तो क्या करे। तो उसके बाद दिखाता है कि कैप्टन बागी पायरेट को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और आने के बाद वो कहता है कि क्या तुम्हें लगता है मेरा नाक बहुत ज़्यादा फनी है? और दिखाता है कि उसे हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके जितने सारे टीममेट्स है सब लोग कहते हैं कि अभी तो कैप्टन बागी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है, अब तो वो अपना डेविल फ्रूट पावर यूज़ करेगा। इसका मतलब हम लोगों को ये बताया जाता है कि कैप्टन बागी पायरेट ने भी एक डेविल फ्रूट खाया था, उसके पास भी किसी तरह का डेविल फ्रूट पावर है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि उस बंदे के गले में किसने पकड़ लिया है और दिखाता है कि कैप्टन बाकी अपना जो डेविल फ्रूट पावर है वो यूज़ कर रहा है। और उसके बाद उसे सामने ले आता है और कहता है कि इस बार के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन जल्द से जल्द तुम लोगों को वो चार्ट वापस ले आना पड़ेगा, तभी मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि लूफी को एक रेस्टोरेंट के अंदर, उस रेस्टोरेंट में कोई भी नहीं है, वो लड़की और लूफी है, लूफी वहाँ पर दबा के खाना खा रहा है। तो उसके बाद लूफी खाना खाते खाते नामी को पूछता है कि इतने बड़े घर पर क्या तुम अकेले रहते हो? इस लड़की का नाम है नामी। उसके बाद नामी कहता है कि नहीं, ये मेरा घर नहीं है, कैप्टन बागी शहर में आया है इसलिए सारे के सारे लोग यहाँ से भाग गए हैं। और उसके बाद लूफी कहता है कि ओ इसका मतलब तुम एक चोर हो? तो वो लड़की कहती है कि मैं कोई साधारण चोर नहीं हूँ और मेरे को किसी भी साधारण एरे गहरे चोर के साथ कंपेयर मत करो। तो लूफी कहता है कि चोर तो चोर होता है, उसके साथ क्या साधारण या असाधारण क्या होता है। और उसके बाद नामी कहता है कि नहीं, मेरा गोल है पायरेट से पैसा चुराना और 100 मिलियन बेरीज इकट्ठा करना। तो लूफी कहता है कि इतने मिलियन बेरीज से तुम क्या करोगे? बेरीज क्या होता है? हमारे यहाँ जैसे पैसा होता है वहाँ पर बेरीज होते हैं। तो लूफी कहता है कि इतने बेरीज से तुम क्या करोगे? तो उसके बाद नामी कहता है कि ये एक सीक्रेट है, ये मैं अभी नहीं बता पाऊंगा। और उसके बाद वो कहती है कि मेरे पास ग्रैंड लाइन का चार्ट है, अगर मैं ग्रैंड लाइन पे जा पाया तो मुझे बहुत ज़्यादा बेरीज मिलेगा। और उसके बाद लूफी कहता है कि इसका मतलब तुम एक नेविगेटर हो? तो वो लड़की मतलब नामी कहती है कि हाँ मैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड नेविगेटर हूँ। और उसके बाद लूफी कहता है कि तो मेरे क्रू में आ जाओ। तो वो कहती है कि तुम्हारे क्रू में मतलब तुम एक पायरेट हो? तो लूफी कहता है कि हाँ मैं एक पायरेट हूँ और मैं बहुत बड़ा क्रू बनाना चाहता हूँ। और उसके बाद नामी कहते हैं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता क्योंकि मैं पायरेट्स से बहुत ज़्यादा हेट करता हूँ। अगर दुनिया में किसी भी चीज़ से मैं सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ तो वो है पायरेट्स, और मैं पायरेट क्रू में शामिल हो जाऊँ ऐसा कभी नहीं हो सकता। और उसके बाद नामी दिखाता है कि उस घर के एक खिड़की में जाता है और बाहर से नीचे की तरफ झांकता है, देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे पायरेट्स घूम रहे हैं जो कि बागी कैप्टन बागी के पायरेट्स है, और वो लोग उस लड़की को ढूंढ रहे हैं। तो वो लड़की सोचती है मतलब नामी सोचती है कि अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूँ? और उसके बाद उसके दिमाग में एक प्लान आता है। तो उसके बाद नामी लूफी के पास जाती है और जाने के बाद कहती है कि मैं तुम्हारे ग्रुप में ज्वाइन करूँगा,
जाऊंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें कुछ काम करना पड़ेगा मेरे लिए। तो लूफी कहता है कि ठीक है, मैं तो सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। और उसके बाद नामी लूफी को बांधता है रस्सी से, और वो कहता है कि क्यों रस्सी से क्यों बांध रहे हो मुझे। तो नामी कहती है कि मैं कैप्टन बागी के साथ मिलने जा रही हूँ, इसलिए ये एक अपीयरेंस है, इसलिए मैं तुम्हें बांध के ले जा रही हूँ। और उसके बाद दिखाता है कि नामी उसको लेके जा रही है, और उसके बाद कैप्टन बागी को दिखाता है। कैप्टन बागी बहुत ज़्यादा गुस्से में है और उनके उन तीन पायलट्स को कह रहा है कि मैं तुम लोगों को मार ही डालूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तक उस लड़की को पकड़ नहीं पाए। और उसके बाद एक और बंदा आके उसे खबर देता है कि वो जो लड़की हम लोगों का चार्ट लेके भाग गई थी, वो आ रहा है एक प्रिजनर के साथ। और उसके बाद नामी वहाँ पर जाती है, और जाने के बाद लूफी को धक्का मार के नीचे फेंक देती है। और उसके बाद कैप्टन बागी को वो नक्शा वापस करके कहती है कि मैंने इस चोर को पकड़ लिया है। तो उसके बाद कैप्टन बागी कहता है कि तुमने कैसे पार्टी चेंज कर लिया, पार्टी क्यों चेंज कर लिया। और उसके बाद नामी कहता है कि ये जो बॉस है हमेशा मेरे सामने आके बॉसगिरी करते रहता है, और मुझे ये बहुत ज़्यादा एनोइंग भी करता है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, हमेशा ऑर्डर देता रहता है, इसलिए मैंने पार्टी चेंज कर लिया और मैं आप लोगों के क्रू में शामिल होना चाहता हूँ, मैं एक पायलट बनना चाहती हूँ। तो दिखाता है कि कैप्टन बागी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो अचानक से हंस देता है और कहता है कि हाँ ऑफकोर्स तुम मेरे पार्टी में ज्वाइन कर सकते हो, तुम एक पायलट हो। और उसके बाद नामी को पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तो वो कहती है कि मेरा नाम नामी है। और उसके बाद कैप्टन बागी कहता है कि ठीक है, हमारे न्यू क्रूमेट के लिए आज हम लोग पार्टी करेंगे। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि वो लोग लूफी को एक केज के अंदर डाल दिया है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर नामी का वेलकम पार्टी होता है, दिखाता है कि चारों तरफ लोग खाना खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं। और उसके बाद लूफी को दिखाता है कि वो जेल के अंदर से केज के अंदर से हाथ बढ़ा के खाना खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसका हाथ पहुँच नहीं रहा। और उसके बाद नामी को दिखाता है, वो कहती है कि अरे ये पायरेट्स तो बहुत ज़्यादा डम है, मैं जब अगली बार यहाँ से भागूंगी मैं इन लोगों का खजाना भी चुरा लूंगी और वो चार्ट भी चुरा लूंगी, और इन लोगों को पता भी नहीं चलेगा। और उसके बाद कैप्टन बागी कहता है कि पार्टी बहुत हुआ, अब हम लोग और भी ज़्यादा मज़े करेंगे, अभी टाइम है बागी बॉल का। और तभी दिखाता है कि उसके टीम के बहुत सारे पायरेट्स धकेलते हुए एक बहुत बड़ा कैनन लेके आता है, और एक बंदा एक बहुत ही बड़ा रेड बागी बॉल ले आता है और दिखाता है कि उस कैनन के अंदर उस बागी बॉल को लोड करते हैं वो लोग, और उसके बाद उस कैनन के रस्सी में आग लगा देते हैं। तो नामी पूछता है कि ये क्या है, तो कैप्टन बागी कहता है कि जस्ट देखो। और उसके बाद दिखाता है कि एक तगड़ा फायर होता है, इतना ही खतरनाक एक्सप्लोशन होता है कि वहाँ पर जितने सारे घर होते हैं सारे के सारे घर टूट जाते हैं। और दिखाता है कि तभी वहाँ पर जोरो आके पहुँचता है, तो वहाँ पर उसके साथ जितने सारे पायरेट्स थे वो लोग कहते हैं कि ये तो शायद कैप्टन बागी का बागी बॉल है। तो जोरो कहता है कि बागी बॉल जाके देखना पड़ेगा, और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में नामी को दिखाता है और दिखाता है कि वो बिल्कुल ही शॉक में चली गई है, वो कहती है कि ये क्या था, इतना खतरनाक अटैक, इतना खतरनाक पावरफुल एक्सप्लोशन मैंने ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा। और उसके बाद कैप्टन बागी कहता है कि मैं तो ग्रैंड लाइन पे कॉन्कर कर लूँगा, मतलब ग्रैंड लाइन को कब्जा कर लूँगा, मेरे पास डेविल फ्रूट पावर है और इन बागी बॉल से तो मैं आसानी से कॉन्कर कर लूँगा। तो लूफी जेल के अंदर बैठ के कहता है कि अरे तुम नहीं कर पाओगे, ये मेरा सपना है ग्रैंड लाइन पे जाना और ग्रैंड लाइन को कॉन्कर करना, और उसके बाद मैं किंग ऑफ द पायरेट्स बनने वाला हूँ। और उसके बाद कैप्टन बागी कहता है कि मुझे समझ में आ रहा है नामी, तुम तुम्हारे मास्टर से क्यों तंग आ गए थे। तो नामी कहता है कि हाँ ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ है। और उसके बाद वो कहता है कि नेक्स्ट ले आओ। और उसके बाद दिखाता है कि वो लोग एक और कैनन ले आता है और उसके अंदर एक और बागी बॉल फिट करते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि लूफी के सामने वो बागी बॉल रखता है। और उसके बाद नामी को कहता है कि चलो अब रस्सी में आग लगा दो। नामी कहता है कि क्यों, हम लोगों को इसे मारने की ज़रूरत नहीं। तो कैप्टन बागी कहता है कि नहीं, यही एक मौका है, यहाँ पर तुम अपने ओल्ड बॉस को मार के मेरे सामने मेरा लॉयल्टी साबित कर पाओगे। तो नामी कहता है कि क्या मुझे इसे मारना पड़ेगा। और उसके बाद दिखाता है कि कैप्टन बागी उसके हाथ में वो लाइटर दे देता है और कहता है कि चलो आप आग लगा दो। और वहाँ पर जितने सारे पायरेट्स है सारे के सारे पायरेट्स चिल्ला रहे होते हैं फायर फायर, वहाँ पर फायर लगा दो, आग लगा दो। और उसके बाद नामी को दिखाता है कि वो बहुत ही टेंस में चली जाती है और वो सोचती है कि अगर मैंने इसको फायर नहीं किया तो वो लोग मुझे मार देंगे, अगर मैंने इसे मार दिया तो इन पायरेट के साथ मेरा कोई भी डिफरेंस नहीं रहेगा। और उसके बाद दिखाता है कि उसका हाथ पैर कांप रही होती है। और उसके बाद लूफी बैठ के वहाँ से कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारे हाथ पैर क्यों कांप रहे हैं। तो नामी कहता है कि शराब। उसके बाद लूफी कहता है कि देखो जब तुम पायरेट बनते हो तो तुम्हें खुद के लाइफ के भी रिस्क लेने पड़ते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि जो नामी है वो उसका हाथ पैर कांप रही होती है, वो उसको लाइट नहीं दे पा रहा होता, उसको आग नहीं लगा पा रहा होता है। तो दिखाता है कि एक और बंदा आ जाता है, आने के बाद कहता है कि दो ये लाइटर मुझे दे दो। तो नामी से वो लाइटर ले लेता है, दिखाता है कि उस माचिस में आग लगा के भापा आग लगाने ही वाला होता है। उसके बाद दिखाता है कि नामी अपना सीक्रेट वेपन निकालती है और दिखाता है कि एक ही फटके में उसका सर फोड़ देता है। और दिखाता है कि वहाँ पर सब लोग चुप हो जाते हैं जो लोग चिल्ला रहे थे फायर फायर। और उसके बाद कैप्टन बगी को दिखाता है, वो कहता है कि इन सब चीज़ों का मतलब क्या है नामी, एक्सप्लेन करो अपने आप को। तो नामी कहता है कि अरे एक्सप्लेन करूँ, मैं तुम लोगों जैसा कभी भी नहीं बनना चाहता। तो यहाँ से लूफी कहता है कि तुम मुझे पहले मारने की कोशिश कर रहे थे, अब बचाने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो नामी कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें बचाने
की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हें मार नहीं सकती। मैं किसी को बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन पायरेट्स ने उसको मार डाला। उसके बाद से मैं पायरेट को बहुत ज्यादा हेट करता हूँ, और पायरेट्स इनह्यूमन होते हैं, मैं उन जैसा कभी नहीं बन सकता। और उसके बाद कैप्टन बगी को दिखाता है कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है, और कहता है कि ओ पायरेट्स इनह्यूमन होते हैं। और उसके बाद कहता है कि हमला करो, उस लड़की को पकड़ो। और यहाँ पर लूफी को दिखाता है, लूफी बहुत ही टेंशन में है, और वो कहता है कि अरे देखो नामी, वहाँ पर आग लगा हुआ है, मतलब उसके जो फ्यूज होता है उसमें ऑलरेडी आग लग गया है। तो नामी दिखाता है कि उसके ऊपर पायरेट्स हमला करते हैं, लेकिन नामी वहाँ से बच के किसी भी तरह उस फ्यूज के पास जाता है। जाने के बाद दिखाता है कि वहाँ पर वाटर नहीं होता, किसी भी जगह पर पानी नहीं होता, तो दिखाता है कि अपने हाथ से ही उस आग को पकड़ लेता है। दिखाता है कि उसे बहुत ज़्यादा जलन भी हो रही है, तो दिखाता है कि वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा होता है। उसको दिखाता है कि उसे बहुत ज़्यादा जलन भी हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो उस फ्यूज़ को नहीं छोड़ती। और उसके बाद दिखाता है कि धीरे धीरे वो आग बुझ जाती है। और उसके बाद दिखाता है कि उसके ऊपर से पीछे से बहुत सारे पायरेट ने हमला कर दिया है, लेकिन कोई आता है और आने के बाद पकड़ लेता है। और ये कोई नहीं, रोनो ज़ोरो है। और दिखाता है कि ज़ोरो आ गया है। उसे देखने के बाद लूफी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और कहता है कि ज़ोरो तुम आ गए। तो उसके बाद ज़ोरो नामी को कहता है तुम्हें चोट तो नहीं लगा? तो नामी कहता है कि नहीं मुझे चोट नहीं लगा। और उसके बाद लूफी पीछे से कहता है कि ज़ोरो जल्द से जल्द यहाँ पर आओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। तो ज़ोरो लूफी की तरफ देख के कहता है कि क्या तुम गधे हो, तुम इस सिचुएशन में कैसे फंस गए? पहले तो तुम्हें एक पक्षी उठा के ले गया, और उसके बाद अभी तुम एक केज के अंदर हो, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पर? तो लूफी कहता है कि ये बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और उसके बाद वहाँ पर जितने सारे पायरेट्स है वो लोग कहते हैं कि अरे क्या ये सच है, अभी उस लड़के ने इसे ज़ोरो कहा, मतलब ये रोनो ज़ोरो है, फेमस पायरेट हंटर। तो वहाँ पर जो बगी पायरेट होता है कैप्टन बगी, वो कहता है कि अगर तुम मेरे सर के लिए यहाँ पर आए हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो ज़ोरो कहता है कि नहीं कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो नामी कहता है कि ज़ोरो ये इसके टीम में है, ये भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है, और ये एक पायरेट हंटर है। एक पायरेट हंटर एक पायरेट के टीम में क्या कर रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और उसके बाद दिखाता है कि ज़ोरो लूफी को चुराने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन कैप्टन बगी जो है वो कहता है कि मैं तुम्हें मारूंगा अगर तुम मुझे नहीं मारोगे, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें मार दिया तो मेरा रेपुटेशन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और उसके बाद वहाँ पर जितने सारे पायरेट्स होते हैं, सारे के सारे पायरेट्स चिल्ला रहे होते हैं बगी बगी कह के चिल्ला रहे होते हैं। तो ज़ोरो कहता है कि देखो अगर तुम मर गए तो मुझे ब्लेम मत करना, मैंने पहले ही तुमको वार्न करने की कोशिश की। और उसके बाद दिखाता है कि ज़ोरो के साथ बगी का फाइट स्टार्ट हो जाता है। दिखाता है कि इन लोगों का फाइट ज़्यादा देर तक चलता ही नहीं, फाइट स्टार्ट होते होते ही ख़त्म हो जाता है। दिखाता है कि ज़ोरो बगी को 2-3 हिस्सों में बांट डालता है और उसको काट डालता है, और वो ख़त्म हो जाता है, नीचे गिर जाता है। और उसके बाद ज़ोरो कहता है कि ये तो कोई फाइट ही नहीं था, इतनी आसानी से खत्म हो गया। और दिखाता है कि उसके जितने सारे क्रूमेट थे, मतलब कैप्टन बगी के जो क्रूमेट थे, वो लोग हंस रहे होते हैं। तो वहां पर जो लूफी है वो कहता है कि ये लोग हंस क्यों रहे हैं, और जो नामी है वो कहता है कि अरे इन लोगों का कैप्टन मरा पड़ा हुआ है लेकिन वो लोग हंस रहे हैं। और यहाँ पर ज़ोरो कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम लोग पागल हो? और उसके बाद दिखाता है कि ज़ोरो के पीछे से कैप्टन बगी उठता है, वो मरा नहीं है। और उसके बाद दिखाता है कि उसके पीछे से आके वो उसके पेट में तलवार घुसा देता है, और दिखाता है कि कैप्टन बगी का हाथ जो कट गया था वो आके उसके पेट के अंदर तलवार घुसा दिया है, मतलब कैप्टन बगी मरा नहीं है। और उसके बाद दिखाता है कि वो हाथ उड़ते हुए बगी के पास आता है, आके फिर से जुड़ जाता है। और उसके बाद बगी अपने आप को एक्सप्लेन करता है, कहता है मैंने खाया है चॉप चॉप फूड, अगर मुझे हज़ारों टुकड़ों में भी काट डालोगे ना उसके बाद भी मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि स्वॉर्ड से मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होता, मैं फिर से जुड़ जाता हूँ। और ये देखने के बाद सब लोग चौंक जाते हैं। और वहाँ पर दिखाता है कि ज़ोरो नीचे गिरा हुआ है, और कैप्टन बगी कहता है कि मैंने तुम्हारे किसी वाइटल ऑर्गन पे वार नहीं किया, लेकिन जहाँ पर भी वार किया है बहुत ही तगड़ा वार किया है, अब तो मैं जीत गया हूँ। और उसके बाद दिखाता है कि वो ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। तो उसके बाद ही लूफी पीछे से कहता है कि पीछे से वार करना एक कावर्डली मूव है, यू बिग नोस बड़ा नाक। और उसके बाद दिखाता है कि सब लोग चुप हो जाते हैं, जो लोग बगी को चीयर कर रहे थे, जो पायरेट्स, वो लोग भी चुप हो जाते हैं, और वो लोग भी कहते हैं कि ये क्या कहा। और उसके बाद नामी भी कहता है कि अरे इसने क्या कहा, क्या अपना मुंह बंद नहीं रख सकता। और उसके बाद कैप्टन बगी कहता है कि तुम्हें तो मरने की बहुत ज्यादा जल्दी है। और उसके बाद दिखाता है कि कैप्टन बगी लूफी के ऊपर एक तलवार से वार करता है, लेकिन दिखाता है कि लूफी ने अपने मुंह से उस तलवार को पकड़ लिया और उस तलवार को तोड़ भी दिया। और उसके बाद कहता है कि जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा, निकलते ही मैं तेरे गान पे लात मारूंगा, मतलब एग्जैक्ट यही वार्ड यूज़ किया था एनिमे में, मैंने कुछ नहीं किया, कुछ भी ऐड नहीं किया, बाद में मुझे नहीं बोलना कि भाई तू गाली देता है, मैं वीडियो पे गाली नहीं देता, ओके। तो उसके बाद नामी सोचता है कि अगर इन लोगों ने कुछ भी नहीं किया तो हम लोग मर जाएंगे। और उसके बाद लूफी को कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है, और उसके बाद लूफी कुछ भी नहीं कहता, और दिखाता है कि ज़ोरो ने कुछ समझ लिया है। और उसके बाद कहता है कि मैं समझ गया, और नामी कहता है कि अरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बोलो क्या बोल रहे हैं, इसलिए मैं पायरेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और उसके बाद दिखाता है कि ज़ोरो के ऊपर बगी हमला कर देता है, लेकिन दिखाता है कि ज़ोरो उसके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहा है, सिर्फ डिफेंस
डिफेंस कर रहा है, और उसके बाद दिखाता है कि थ्री सोर्ड स्टाइल यूज़ करके उसको फिर से काट देता है। तो बगी कहता है कि तुम्हारी ये थ्री सोर्ड स्टाइल मेरे ऊपर कोई भी काम नहीं आने वाला है। दिखाता है कि जब वो बात कर रहा था तभी वो बाहर से भागते हुए उस कैनन के पास चला जाता है, और उसके बाद दिखाता है कि जोरो उस कैनन के नीचे जाके उस कैनन का ही पलट देता है, और दिखाता है कि वो बगी के तरफ मुँह कर देता है, और उसके बाद कहता है कि जल्द से जल्द इस पर आग लगा दो, इस पर आग लगा दो। और जो बगी है वो कहता है कि अरे वो लोडेड है, अगर वो चल गया तो हम सब के सब मर जाएंगे। तो उसके बाद जोरो नामी को कहता है कि जल्दी करो उस कैनन में आग लगा दो, और तभी दिखाता है कि नामी उस कैनन में आग लगा देता है, और दिखाता है कि उस स्पेशल कैनन से जो स्पेशल कैनन बॉल है वो फायर हो जाता है। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और मुझे बताना वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।